हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके चैनल वीकेंड्स गेमर पर। तो आज हम एक नया गेम खेलने वाले हैं भाई, चिया। ये अभी आया है, 4-5 दिन हुए होंगे शायद। तो मैंने कहा चलो आज खेलते हैं यार, देखते हैं इस गेम को कैसा है। सुना है यार ये गेम कोई एक आइलैंड पे इंस्पायर है, तो देखते हैं हम भी भाई। और भाई जो लोग चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें भाई। वो तो हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है भाई। ग्राफिक्स व्राफिक्स तो अभी तो ठीक ही लग रहे हैं। मैं तो देखो बता रहे हैं ये गेम इंस्पायर्ड बाय न्यू कैलेडोनिया। कैलेडोनिया जो रोमन एम्पायर ने बहुत ज़माने पहले ढूंढा था भाई। इतिहास तो बहुत बड़ा है इस जगह का, मगर आप इतना जान लो ये रोमांटिक आइलैंड के नाम से मशहूर है। हाय, वेलकम टू, यू आर अबाउट टू स्टार्ट योर एडवेंचर टू टिचिया। चिया, वी वुड लाइक टू गिव यू अ लिटिल बिट कंटेंट ऑन। ठीक है, ये भाई जो आइलैंड है जिस पे इंस्पायर है, ये आइलैंड है पैसिफिक ओशन में। ठीक है, न्यू कैलेडोनिया स्मॉल आइलैंड है, को फाउंडर ऑफ होमलैंड एंड इस गेम बिल्कुल। ठीक है, तो ये जिसने भी शायद गेम बनाया है ये उस आइलैंड पे आई थिंक गया होगा कभी, तो उससे ही इंस्पायर हो गया कि वहाँ की हैप्पीनेस या कुछ भी हो या कोई कहानी हो उनसे इंस्पायर होके ये बंदा उसने शायद गेम बना दिया आई थिंक। चलो देखते हैं भाई क्या है इसमें ऐसा जो उस बंदे ने इंस्पायर होके गेम बनाया। तो ये हमारा गेम स्टार्ट हो गया भाई। ये कौन बच्चा है? ऑर्फनेज में शायद है, ये ऑर्फनेज है यहाँ पे। हाँ, बच्चों का ऑर्फनेज है शायद यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं भाई। गेम तो काफी ठीक ठाक लग रहा है, मतलब एनिमेशन वेशन तो ठीक ही है यार। चावल खा रहे हैं लोग। ठीक ठाक लोग हैं, अच्छे लोग हैं बता रहे हैं, शेयरिंग चल रही है। यार इस गेम की म्यूजिक मुझे अभी से पसंद आने लगी है। Kaloi, kaloi. Lapa-lapa iya ini kodadin. तो ये ओल्ड लेडी शायद कहानी सुना रही है बहुत बहुत टाइम पहले की। एक लड़की थी चिया, जिसके ऊपर शायद गेम बना। म्यूजिक बहुत सही लग रही है। ये क्या बना रही है भाई? ये लड़की है चिया। ये कौन है भाई? लोई चाइने मलाक। हैप्पी बर्थडे चिया। चिया का बर्थडे है भाई। तू पास इतना लाई राइट। एक तो लैंग्वेज कोई और सी है, ये शायद उसी आइलैंड की लैंग्वेज है। एमिंग और शूट करना। ठीक है, ओह हैप्टिक ट्रिगर भी काम कर रहा है इसमें। ये बंदी बहुत सैड लग रही है। तो इसके फादर कह रहे हैं कोई तुम्हें हम इस आइलैंड पे नई जगह दिखाते हैं। तो हमें इसके फादर को मिलना है, और ये किधर हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम मैप चेक करते हैं। लग रहा मुझे जापानीज बोल ली एक तरीके से। इस आइलैंड पे जाना है। तो चलो इसके फादर देखो कहाँ पे बुला रहे हैं। हम इधर ही जाना है हमें।
ये मैप आ गया हमारा, ये कैंप है, ये कौन सी जगह है भाई, न्यू जर्नी जर्नल एंट्री हो गई है हमारी, यहाँ पर निशानेबाजी करनी है हमको, अच्छे निशानेबाज हम लोग, ट्रॉफी नहीं मिलेगी हमें अभी बता रहे हैं ये लोग। ये क्या है, कलेक्ट करना है हमें इसको, था क्या, वो बैठे हैं शायद उसके फादर, हाँ हमें वहाँ जाना है। तो गेम की म्यूजिक बहुत अच्छी है यार, अरे ग्राफिक व्राफिक भी ठीक है, पानी वानी तो बहुत बढ़िया बनाया है इन लोगों ने, मतलब बताओ पूरा गेम ये बंदे ने जिसने भी बनाया है एक आइलैंड पे पूरा बेस्ड करके गेम बना दिया है, तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आया होगा जाहिर सी बात उसको, तभी उसने गुजारे ने पूरा गेम बना दिया उसका। बादल वादल बढ़िया लग रहा है, बड़ी स्पीड देने जा रहा है ये, चचा तो बच्चे बन गया बिल्कुल, चिल्ला रहे हैं यार। ओई ए ओपी ना, ठीक है हम भी ट्राई करते हैं भाई, हमें भी चिल्लाना है, शाउट चिल्लाते हैं, देखते कितना ज्यादा चिल्ला सकते हैं। ओ तो ये असैसिन क्रीड वाला है भाई, चिल्लाने से पूरा एरिया डिस्कवर हो रहा है। फादर ने गिफ्ट दिया भाई, और वो हमारा जो है ग्लाइडर के काम आएगा, तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं, हम कूदते हैं, सही है भाई, ये तो स्पंज बॉब वाला हो रहा है बिल्कुल, अभी हमने रिसेंटली स्पंज बॉब जो खेला था उसमें भी वो तो क्या नाम है, पिज्ज़ा का पूरा डिब्बा लिए रहता है, चलो इसने तो कम से कम सुधार कर लिया। अब तो हमें जाना कहाँ है यार, बहुत मैप तो बहुत बड़ा है, हमें यहाँ जाना है कैंप पे, जो पीछे भी हमने देखा था शायद, इधर ही से देखा था, उधर से देखा था, इधर से देखा था, मीडियर फायर कैंप फायर, शाम हो गई अभी तो, बस गेम की स्टार्टिंग ही चल रही है, तो अभी खाली मुझे म्यूजिक पसंद आई है अभी इस गेम की, बाकी देखते हैं भाई क्या स्टोरी है। खा रहे हैं भाई फिश है और क्या है? पता नहीं फिश के साथ शायद कुछ वेजिटेबल्स हैं क्या है पता नहीं, रिदम देनी है हमें वो भी बताओ, पत्तियों से रिदम, गाना वाना भी चल रहा है भाई, चाचा की आवाज बहुत अच्छी है, बस धस नहीं रहा क्या गा रहे हैं, आज अड्डू आए गए नीचे सब टाइटल आ रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे रिदम बहुत हार्ड है। गुनेता ओ इनी में सारे दोस्त मिलेंगे,
जिला एदिया निकना चे जिला एदिया निकदा दीनी जिया अच्छा इसी के लिए गाना गा रहे एकदम पे ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है, बहुत तेज तेज आ रही है। ये तो GTS है ना, इंडियाज वाले का। तो भी तो है यार, जब सर दर्द कर रहे थे यार इतनी देर से, ध्यान ही नहीं गया स्विच टू ऑटो, स्विच कर देते भाई पहले, हम चिया बन गए हम तो खुद ही। सही है, कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में जो छोटी छोटी बातें होती रहती है। गाना तो अच्छा था यार, बस क्या करे, उसको हिंदी इसका बनवाएंगे हम लोग, जब हिंदी डब तब सही रहेगा। कॉस्ट्यूम बनाएंगे हमारे। अच्छा दो कोकोनट चाहिए हमें, फ्लोरो फ्रॉम द गार्डन, ठीक है। सबसे पहले गार्डन यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, टोरो आई है तो। स्टोर कर लिया हमने, अब हमें दो कोकोनट चाहिए भाई, कोकोनट। कहाँ गए यार दोनों कोकोनट, एक और कहाँ गया, एक पेड़ से एक ही गिरेगा लग रहा। चलो भाई हमारा टास्क तो पूरा हुआ हमें लग रहा है। हाँ, मीट योर फादर एंड कहाँ पे बुला रहे हैं, बॉन्डो कैंप फायर पे नहीं जाना है हमें, हमें जाना है, ओके हमें तो इधर जाना है। ये कुत्ता कहाँ बोला भाई, कहाँ है वो खड़ा है इसके फादर, कौन टोन पानी में बनाएंगे क्या। चच्चा चिकचिकिया एंट्री मार चुके हैं, वो फिर गिटार लेके, मतलब क्या इस पे पूरा गाना बजाना ही है क्या, ये कहे आइलैंड पे। ये पक्का ये वही चच्चा है जिन्होंने गेम बनाया है, ये अपना रोल डाल देना, देख रहे हो गोरे बने घूम रहा है। फ्लावर को कौन सा फ्लावर बोल, चलो भाई इसको ढूंढेंगे कौन सा फ्लावर है। हैप्पी बर्थडे जी, बर्थडे पार्टी के लिए आए यार। ये एरिया मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, देखने वाला, मतलब ड्रीम वाले टाइप का है कि आदमी जो है इसको देख के इमेजिन करे कि आइलैंड बहुत खूबसूरत होने वाला है भाई। चलो माल लाया तो एक बार ये आइलैंड घूमेंगे जाके हम लोग। सिंबल ऑफ लव है ये फ्लावर, वो कहते हैं सिंबल ऑफ लव। ट्रेडिशनल भी चल रहा है एक्सचेंज, गिफ्ट दो गिफ्ट लो वाला चल रहा है ट्रेडिशनल।
एक तो इनकी लैंग्वेज हम अगर पूरा गेम खेलेंगे तो सीख जाएंगे एंड तक, तुम लोग को फिर ऐसे ही बता रहे होंगे। यार खा बहुत रहे हैं ये लोग यार, जरा जरा देर में देख रहे हैं पर खा रहे, मेरे भूख लगी आ रही यार। ओ चचा द रॉकस्टार जोश में आए हैं, अब इनका गाना सुनना है भाई। नहीं सुनाएंगे यार, हम तो आदत फैला के बैठ गए थे बिल्कुल। पे तो हमें इनको फॉलो करना है शायद। ये हेलीकॉप्टर है ये क्या गया हाइड हियर, यहाँ छुपने को बोल। अच्छा ये इनको बोल रहे हैं, इन्होंने फॉलो किया शायद, जान नहीं। ये कौन लोग हैं भाई, ये बड़े हार्ड आदिवासी है भाई, बड़ा हाईटेक आदिवासी है भाई ये। ऊपर से ग्लासेस तो देख लो, दुआ क्या नाम, इनकी कोई नहीं लेगा दुआ, विलेन नहीं लग रहा है पक्का। 20 years मारे शिले ही लनंदी पे तीन नाइजाई चेली ये छुपा हुए थे, मतलब क्या सीक्रेट एजेंट नहीं जाने का जो छुपे हुए थे 20 साल देख रहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम यहाँ छुपे हुए थे। ओए ये क्या था भाई, नया तरीके का स्पाइडरमैन, मैजिक भी दिखा रहे क्या, इसके फादर को लेके चले गए भाई। अरे यार की बेचारी, ये क्या है भाई, अबे बच्ची के अंदर भी मैजिक है भाई, पावर छुरी के अंदर घुस गई बिल्कुल, क्या है भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट में घुस जाती है क्या तेरी। अरे ऊपर से फेंक दिया यार इसने, क्या हुआ इसका, लड़की का यार दिखाए तो ठीक है, स्टेमिना देखे रहना हम लोगों को। ये स्पेस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चचा चिकचिकिया बैठे हैं भाई। ये कहाँ लिए हैं यार, क्या गजब की जगह, घर हो जाए मेरा या बस वाईफाई मिल जाए, मैं वीडियो डालता रहा बैठ के, और लाइट भी मिले भाई बिना लाइट के तो ढूंढने हैं हमें तो। ओ अच्छा तो वो तो कहाँ मिलेंगे, कॉस्ट्यूम बना के देंगे ये भी हमें, लाइट की बात है पानी के अंदर ही मिलेंगे भाई, देख क्या चमक रहा है, तेज तेज नहीं चलती है तो, स्टेमिना भी जा रहा है, स्टेमिना भी जा रहा है पूरा पूरा, जल्दी से लो। डेंजर जोन में आ चुके हैं हम लोग, जल्दी से ऊपर भागेंगे भाई, खतरा मंडला रहा है। स्टेमिना पे अच्छा तभी वो बता रहे थे स्टेमिना पे ध्यान देना, अरे तो भाई लिपट गई, कोई नहीं हम फिर से कोशिश करेंगे, हम होंगे कामयाब। पहले हम ऊपर ही से चेक करेंगे भाई, कहाँ है, ये नीचे ही है, टाइप करते हैं जल्दी जल्दी जाओ। ये तो हमने ले लिया, हमारे साथ कांड हो गया। इसको बोलते हैं आपकी लगी सुबह सुबह। अब दूसरा कहाँ पे है भाई, वो है यार पानी वानी का ग्राफिक बहुत सही है, गेम मतलब ठीक ठाक बनाया यार, स्टोरी भी कुछ थोड़ी अच्छी लगने लगी, अब्बा गायब हो गए हैं इसके, शायद ये अब्बा को बचाने जाएगी आई थिंक, या देखते हैं अभी क्या प्लान है इनका। कहाँ गया हम, ज़्यादा आ गया क्या, ठीक है तो दो नगीने हमने जो है चुरा लिए समुंदर से,
अभी नगीनों से कुछ होना है हमारा, कैंप फायर जाना है वापस एयर। यार लंबी छलांगे मार रही है। अब तो इसके अंदर मैजिक भी है, मतलब काफी हार्ड फाइट होने वाली है। ये बाज ही नहीं आ रहा है। अरिजीत सिंह हो रहे हैं आगे हमारे। अरे आ गए, जाओ इसी बहाने गाना सुन लो। अरे नहीं ये लीजिए, मैं आपके लिए खजाना लिया हूँ। कहना अब तो गाना सुन नहीं पाए। ठीक है भाई सुना दो मैं गाना। लड़की बेचारी टेंशन में आ गई। अरे यार गिटार तो चाचा अच्छा बता रहे हैं क्या। हमारे लिए भी एक जूनियर गिटार बना दिया भाई इन्होंने। मेरा बचपन से सपना था यार गिटार बजाने का, आज पूरा हुआ। ठीक है डब्बे से पूरा हो गई है, डब्बा बतवाएंगे जैसे ही हम लोग वैसे पूरा हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है भाई। ओ अच्छा डायरेक्ट हमें साइड का बनाया हुआ है। एक मियाँ के पीछे पड़ा हुआ है। मियाँ भैया संन्यास ले ली से। इसमें भी ऑटो है, थोड़ा सा बजा के फिर हम मजे लेंगे। अब मुझे याद हो गया है ऑटो ही पे चलाना है, थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो आगे को मिशन विशन देना पड़े। आप बजाते हो है। सही गिटार बजाना सीख गया। अरिजीत सिंह ने सुर खींच दिया, काफी गहरा सुर था इनका। इमेज समझे नहीं अच्छा हुआ वगैरह, थोड़ा सा बहका। बस भाई बहुत सीख लिया गाने को, एंजॉय करो। अच्छा गाना है एंड टुगेदर। हम एक साथ मिलकर गाना गाएंगे। आगे की लाइन हमने सबटाइटल पे ध्यान नहीं दिया था। रिमोट भी मेरा गिटार की तरह हिल रहा है। वही लाइन है भाई, दोस्तों को ढूंढना है सब फोक्स। ये कौन सी जगह है भाई। कह रहे हैं कि पूरा भारतवासी गाना अरिजीत सिंह के साथ गाएंगे सब मिल के। आई विल बहुत ही अच्छा गाना था, इनको हम अगले बार इंडियन आइडल में भेज देंगे। हो क्या बात है, ये बहुत खाना दिखा रहे हैं यार। मछली चावल नींबू के साथ ये हमें नहीं लगे। तेरी अब हम क्या करेंगे। इन यादन चौकुशा मचे तो पैयो नहीं हुआ। हम कहाँ जाएंगे।
मियाबुरा जी कौन है भाई ये मियाबुरा नेनी जना खो ना नदी हुआ को हेलो मसाचे अमेला अट अट कलर है कि 12 साल से इमे मशीन जाती है पुई दो ले दे अमेला बासिला या मियाबुरा ये ताला पखो गंगाजो दिया ला नानी दो हुई है मोन बड़ा टिपिकल टिपिकल नाम है हाउ डू आई कैन जाएंगे कैसे तुम जला ही मैं परेशान ना तुम्हारे लिए जांच मंगा सब बहुत सस्ते लेवल के सच्चा गरीब है ये कौन सी जगह है यहीं जाना है मैं बस करो चच्चा बुलाओगे क्या लड़की कह रही है जो है ये इसने मकान कल सुबह तुम निकल जाना कह रहा है किराया नहीं देंगे हम गार्डन में मिलना है इनसे चच्चा चिकचिकिया था मैं हाँ तो बताइए चच्चा चिकचिकिया क्या बता रहे हैं भाई ये बहुत बुरी चीज़ है इस पर बैलेंसिंग कभी नहीं सही मेरी ये हार्ड है रॉक बैलेंसिंग हमें भी करनी है हमें भाई ये बनाना है बहुत संभाल के क्योंकि इसमें बहुत बुरे हैं यार देखा ये टेढ़ा पत्थर करके दे दिया था हमारे साथ अभी भी सुबह सुबह कांड हो गया था हो गया भाई एक सपोर्ट मिल गया हमें क्या वाल सपोर्ट का फायदा भाई इसको कहते हैं निंजा टेक्निक यार इतने छोटे छोटे पत्थर क्यों दे रही है उसके बाद बड़े पत्थर बंदी को आएगा नहीं भाई ये साइड में फेंकते हैं यार इसको तो दूसरा लो ये भी बेकार है कोई अच्छा लेके आओ क्या ला रही है बंदी भाई ये सिर्फ जहर बना रही है हमारे लिए ये भी बेकार है हटाओ बहुत बड़ा बनेगा हमारा मास्ट अब लाइए कुछ सही चीज नीचे लाओ नीचे लाओ नीचे लाओ घुमा के देखे जरा ये आ गया भाई वैसे मजबूती की कोई गारंटी नहीं है भाई बिल्ला वर्ड सीमेंट से नहीं बना ये पत्थर हमारे लग चुके हैं भाई पूरी तरीके से LYZ अरे एक तो ये हाय हाय क्या बनाया है भाई आज तक का सबसे बढ़िया रॉड रॉक बैलेंसिंग टेढ़ा क्यों है नहीं आएगा हमें पूरा घुमाना पड़ेगा आ गया भाई आ गया और ये फाइनली हमें लगा बहुत बड़ा लेके आई है ये मगर कुछ नहीं हुआ उससे हिला नहीं ये मोटू पहलवान का क्या करेंगे चलो मोटू पहलवान को रख के देखते हैं अच्छा हुआ नहीं आया मोटू पहलवान तो आ जाओ बस एक बड़े शिकार की जरूरत है मैं दो दिखा रहा है यार इसका नहीं हटो ये बेकार है पूरा नहीं गिरा अच्छा भाई अच्छा हुआ पूरा नहीं गिरा ये क्या कहर लेके आ रहे लोग बहुत दूर फेंकना इसको एक तो ये चिड़िया इधर ए कर रही है जैसे लग रहा मजे ले रही है हमारे नहीं रुका क्योंकि पत्थर गड़बड़ है को बैलेंस करते हैं सही से नीचे वाला इसका पूरा स्ट्रेट लग रहा है फ्लैट है जा रुक जा नहीं रुकेगा अब हमारे लिए कोई छोटा सा पत्थर चाहिए यहाँ भारी पत्थर तो नहीं रुकेंगे यहाँ अब ये छोटा पत्थर ले आई आखिरकार अब ये रुक सकता है अरे भाई नहीं ये कोई काम करने गिरना नहीं ये कुछ काम का लग रहा है मुझे हो सकता है ये कुछ हमारे लिए कर दिखाए ये तुझे सलमान खान बनना इंडिया के नहीं बन सकता भाई ये आएगा हमारा कंप्लीट हो गया भाई देश फतेह कर लिया हम लोगों ने चाइना हमारा हुआ अरे अब क्या
क्या करना है भाई, चच्चा चिकिया हमें बर्बाद कर रहे हैं, सिंगर बनाए के छोड़ेंगे। क्या पप्पू लोग हैं भाई, देश का क्या होगा भाई, कैसे काम हम करेंगे भाई, भाट बोर्ड सब नहीं भाई, कुछ कीली वीली ठोक रहा भाई, जिंदगी तबाह हो रही है भाई। गाना अच्छा था ना, मुझे मुंह बैठ गया, आ गया रिदम बहुत अच्छी थी, सब है। अभी कब चुप होंगे यार तवड़े बाज आदमी। ओ भाई सोल मेलोडी बजानी है हमें, पहले तो गिटार निकालना है, और सोल मेलोडी कौन सी है भाई इसमें, हाय सोल मेलोडी कोई नहीं है सोल मेलोडी यार इसमें तो, मिडनाइट यूजिंग सोल मेलोडी, अच्छा मिडनाइट बजाना है हमें, बी ई डी। और ये हमने गिटार के एक स्किल सीख लिए हैं, फाइनली हमारा कंप्लीट हुआ। तो भाई कल हमें निकलना है यहाँ से, तो मैं सोच रहा हूँ आज का इस वीडियो इतनी बड़ी रखते हैं, और कल वाली वीडियो में हम लोग इस देश को छोड़ के चलेंगे नए टापू पर, नई ज़िंदगी। तो चलो भाई जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ये क्या है भाई, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और भाई वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।